सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते। मयूर कुक्कुट महाशक्तिधरे नये कौमारी रूप संतने नारायणी नमस्ते। शंख चक्र गदाचार्य गृहीत परमाशुदे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते। गृहीतोग्र महाचक्र धृत्वसुन्दरे वराह रूप निशिरे नारायणी नमस्ते। नृसिंह रूपे नग्रेण हन्तं दैत्यांगदमने त्रैलोक्य प्राण सहिते नारायणी नमस्ते। करीटने महावज्र सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चन्द्रे नारायणी नमस्ते। शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्या महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्ते। दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणी नमस्ते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शद्ये पुष्टि सुदे धृदे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते। मेधे सरस्वती वरे भूतिर्भासरितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्त्राहिणो देवि दुर्गे देवि नमस्ते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्र भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्ते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूधन त्रिशूलं पातु नो भीतर्भद्रकाले नमस्ते। हिणश्रीदर्कतेजांसि स्वमेनापो रजा जगत् सगण्ड पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुदानिव असुरादिग्रसापङ्कचितस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वामदाभयम् रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् अभिपन्नराणाम् त्वामाश्रिताश्रयताम् प्रयान्ति एताग्रतं जागदनं त्वयाद्य धर्माद्युजां देविर्महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिकेत प्रकरोदिकान्यां विद्यासुहस्रेषु भवेदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगातु धन्यम् ममात्वकल्पे महान्धकारे विभ्रामयते तदति भविष्यम् रक्षासि यत्र गविशाच नाग यत्र लयोदासु बलानि यत्र दावानलोजत्र तथाब्धिमध्ये तत्र सुधात्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयदेति विश्वम् विश्वेश्वन्द्या भवदे भवन्दे विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवे प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुरभदा ददुमेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्थिहारिणि त्रैलोक्यवासिनां विद्ये लोकानां वरदा भव देव्योपाच वरदाहं सुरजना वरं जन्मनसे चद त्वं मृगत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवावोचः सर्वाबाधा प्रजमानं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वलधैर्विनाशनम् देव्योपाच
देवस्वतंतरे प्राते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भोगिशुम्भश्चेवान्या उत्पस्ये ते महासुरौ नन्दगोपागृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तो नाजयिष्यामि निन्द्राजलनिवासे पुनरप्यतिरोत्रेणारूपेण मृतभीतले अवतीर्यानिजानि विप्रसिद्धा सदानवान् भक्षयन्ता शतानुर्गान् विप्रसिद्धान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ते दानिमेघसुमोपमाः तथा मां देवता स्वर्गे मध्यलोके समानवाः सुमन्दाया हरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्चतवाशिक्या मनाभिश्चा मनं वदे मुनिभिः संस्तुता भोमा संभविष्यामि यानिजा तथा शलेन नेत्राणादरे शिष्यामि यन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा जीमिजिमा ततः तदाहमखिलं लोकम् आत्मदेह समद्भवे भविष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणधारके शाकम्भरेति विख्यातं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाज्ञा महासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा देवरूपं हृत्वा हिमाचले रक्षन्ति रक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोचन् ध्यानं नमोतयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाकत्रैलोके महाभागं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा जङ्गेजपदम् त्रैलोकद्वैतार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणे जमालोका तदा शोचन्ति सर्वतः इष्टं ददा यदा वादा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्याम्यै संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं
वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजंग ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। विद्वद्धाम समा प्रभा मृगपदे हम सकलां वाजा नाशयिष्यामि संशयं मधुकेतो नाशनं महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये सत्सत्पदं शुम्भनिशुम्भया अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां च एकचेतसः श्रोषन्ति ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नादेशां दुष्कृतां किञ्च दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् शत्रुदोनाभयम् दस्युदोभानरायतः न शस्त्रानलतो योगकदाशिष्यम् भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यम् पठेदभ्यम् समाहिते श्रोतव्यम् च सदा वच्या परम् सज्जाजन्मिदात् उपसर्गान् महामारे समर्थवान् तथा त्रिविधोत्पादम् महात्म जनये मम यत्रैतद्वत्रमायतने मम सदा नादस्य भोजाने सान्निध्यम् तत्र मे सुतम् बले प्रधाने पूजाया अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममेतच्चरितम् उच्चार्यम् द्राव्यमेव च जानता जानता वापि बले पूजाम् तथा कृता प्रतिशिष्याम्यहम् प्रेतभग्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वाञ्छये तस्याममे तन्माहात्म्यम् कृत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्ता धनधान्या सदान्वितः मनुज्या मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे तन्माहात्म्यम् तदा चोत्पत्तया शुभः पराक्रमम् च युद्धज जायते निर्वयापमान् हरिभवः सङ्ख्यम् जाते कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसम् आहत्यमम् शृणुताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु जाग्रासु माहत्यम् शृणुयान् मम उपसर्गः शान्ये गृहपीडाश्च धारणा दुःस्वप्नम् जायते बालग्राह विभूतानां बालानां जातिकारकम् सङ्घादधेने जनेनां मैत्रे करणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् अशेषाणाम् बलहानिकरम् वरम् रक्षाभूतविशाचानाम् पठनादेवनाशनम् सर्वममेतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाधूपेश गन्धदेवे सदत्तमे विप्राणाम् भोजने वामे प्रोजनीयम् अन्ये चाभिर्देवोगे प्रदाने वत्सले प्रीतर्मे क्रियते साध्यम् साकृ सोचल्पे श्रुते श्रुतम् हरति पापाने तथा रज्ञम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् केन्द्रम् मम युद्धे योजयितम् जम्ने दुष्टधृत्यानिवर्हणम् तस्मै श्रुतेभ्यलिखितम् भयम् वंशम् न जायते युष्मादेतु देहो याच यास्य ब्रह्मादिषु कृता
ब्रह्मणा जागदाता च प्रयच्छन्ते शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वादे धावाने परिवारितः दशभिर्धाभिधायन्द्रिहृतावापियत्र सिंहव्याघ्रानयादवामणे वामनहस्तिभिः राज्ञाग्रुद्रेण जाग्रता भद्रा भञ्जागदापि वा आघ्रमिलोपाभाजेन तथापोते महार्णवे पशुजापि शस्त्रे च सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाबाधा दुर्घोरासु वेदनाव्याप्तोऽपि वा समर्मणे दशरथं नरो मुच्यदसङ्गदात् मम प्रभावा सिंहादशोदरिणं सदा दुरादेव बलायन्ते स्वरतश्चरितं मम ऋजुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिकाचण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र भान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकारा यथा पुरा यज्ञभागा बुधा सर्वे चक्रभिनिहतारिणः देव्या च देव्याने ते जुम्ने देवरिवो यदि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रन्थविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पादालमायुः एवं भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूयाग्रदेवोपा जगतः परिपालनम् तयेतन्नो यथेदेशं देवदेशं प्रसूयते सा जातिता च विज्ञानं दृष्टारिद्यं प्रयच्छति व्याप्तन्तये सकलं ब्रह्माण्डमयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टे भवत्या तिदङ्करोदानं सेवकाले सनातने भवकाले लक्ष्मीवृद्धे पदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते तुता सम्भूयिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्रा च मते धर्मे गतिं शुभा सिद्धकुञ्चिका स्तोत्र शिवभाच शृणु देवे प्रभक्षामे कुञ्चिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चन्द्रे जापः शुभो भवेत् नाकवचं न जलसोचं मेलकं न रहस्यकम् न सन्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्चिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अतिगुह्यतमं देवे देवानां विलोकवान् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरुपार्वति मारणामोहनं वश्यं सम्बनोचाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं ह्यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं सं लं सं स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्धिनि नमः केतवहारिण्यै नमस्ते महिषासिनि नमस्ते जुम्बहन्त्रै च निशुम्भासनघातिनि जागृतं हि महादेवि जपं सिद्धिं गुरुश्वरे हेङ्कारे सृष्टिरूपाय हेङ्कारे प्रतिपालिका क्लिङ्कारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डकादि च एकारि वरदायिनि विद्ये च वैदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि द्वां द्वीं धूं धूर्यदे वरुणे बाभे भूमगदीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवि शांशीं शुमे शुभं गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 हनाधिनि भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं यं षं बिन्दुं ऐं भिं हं यं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोदय त्रोदय धृतं गुरु गुरु स्वाहा पापे त्वं पार्वते पूर्ण काङ्गे गोङ्गे जरे तदा सहस्रे त्वं सप्तशतीरेभ्यः मन्त्रसिद्धिं गुरु स्वे इदं दोलञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागति हेतवे अवक्तैरेव दातव्यं
गोपितं रक्षतार्हति यस्तु सञ्चिकया देवी हीनां सप्तशते पदे न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्येरादनं यथा अथ दुर्जयापत्सरस्तत नमस्ते शरण्ये शिवेदानगम्ये नमस्ते जगद्व्याप्तिस्वरूप नमस्ते जगद्भञ्जपादारविन्द नमस्ते जगत्तारिणि नमस्ते नमस्ते सदानन्द रूप नमस्ते जगत्तारिणि अनादस्य दीनसदृशनाथरस्य भ्रातस्य भेदस्य भज्जयन्तः Bye.
सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचार्य
के देन वाले माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे धर्मारे की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस परम स्थली परम पवित्र स्थली पर आकर के माँ भगवती के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थली है तब भूमि है। इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके जो ही भक्तजन माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। जहाँ पर वास्तव में बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और माँ भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तब कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापी को नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से इस माँ जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस गुफा के अंदर इन देव पिंड के सामने नतमस्त होते ही माँ से प्रार्थना करते ही अपना मस्तक माँ के चरण झुकाते ही उन शरणार्थ भक्तों को इन तीनों देवियों की, इन तीनों माताओं की, माता महाकाली, महालक्ष्मी माता, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों माताओं का एक साथ जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते ही और जिस आशीर्वाद से वह भक्तजन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही, उनके सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते ही, उनकी जो भी मनोलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से ये सब पूर्ण होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति कल्याणमय देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो भक्तजन माँ के शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना पूजा करते हैं, उन भक्तों पर जो है सदा सर्वदा इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बन जाती है और माँ की कृपा से भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो। शास्त्र में कहा ही अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव स्वतः नित्यतो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह, कि ये कहा है कि शरीर जो है ये वास्तव में अनित्य है, सब जानते हैं। जिसका जन्म उसका मरण जो है ये निश्चित है, तो शरीर जो अनित्य है, धन संपत्ति भी नाशवान, ये भी सदा कहें कि हमारे पास रहेगी तो ऐसी बात नहीं, ये भी चलायमान है, आती है जाती है। इसी प्रकार से सुख दुख होते ही जे भी आते जाते रहते हैं, ना तो सदा सुख रहते हैं और ना ही सदा दुख रहते हैं। और वास्तव में जो भक्तजन जो है
धर्म के मार्ग पर चलते इस प्रकार से कि शरणक धोकर इस शक्ति की उपासना करते हैं और जगत आदि शक्ति क्या हो जाती है, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो जी शास्त्र में कहा है कि शरीर नाशवान ही, धन संपत्ति जो है ये भी नाशवान है, मृत्यु नित्य है, अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ है उसका मरण जो है ये निश्चित है। इसलिए मनुष्य का जो है कर्तव्य है कि वे संसार में आके धर्माचरण धर्म कर्म जो है करता है, उसका जो कर्तव्य है इसका धर्म संचय करे, अर्थात और यही ऐसी संपत्ति है जो मनुष्य के साथ जो है बाकी सबको सब यही धरते ही। इसलिए मृत्यु के बाद ही जो है उसका साथ देने वाला क्या है, एकमात्र यही धर्म जो है, जो धर्म कर्म जो है अपना धर्म जो है धर्माचरण के कारण ही जो है इस मृत्यु के बाद ही मनुष्य जो है ये वास्तव में जीवित रहता है, क्योंकि उसकी कीर्ति उसका यश अटल बना रहता है। जो इस प्रकार धर्म कर्म कर करके जाते हैं तो उनका नाम जो है संसार में लिया जाता है। जी ध्रुव भक्त प्रहलाद जी हुए हैं, जो भी जितने भी भक्त हुए हैं आप देखें जिन्होंने उनका त्याग नहीं किया, आज भी कीर्ति है, उनका नाम बड़ा आता है, इसलिए वह मरने के बाद भी जीवित हैं और इस प्रकार मृत्यु के बाद उसके साथ चलता है। बोलो सच्चे प्रकार निरंतर जो है धर्म में लगे रहना, मीठा वचन बोलना, कभी किसी को कड़वा बुरा ना बोलना और दान देते रहना, धर्म जो है करते रहना और जो है इस प्रकार से मित्र के प्रति भी जो है कभी भेदभाव न रखना, स्नेह रखना और गुरु के प्रति भी विनम्रता जो है और जो है आपन में गंभीरता और आचरण जो है जी आचरण में पवित्रता और भक्ति जिस सब जो है ऐसे आचरण जिसका आचरण करने से मनुष्य का जीवन जो है सुखमय बना रहता है, कल्याण में होता है और मरने के बाद ही जो है उसकी कीर्ति अटल बन रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दान के संदर्भ में ही एक ऐसा ये दृष्टांत दिया गया है जो आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य जी ही इस प्रकार से संसार में आकर के इस शरीर के द्वारा जब कोई सत्कर्म नहीं करता, इस शरीर का संयोग नहीं करता, क्योंकि ये देह जो है बड़ा दुर्लभ, मनुष्य देह जो है ये बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानसो देहो तत्रैव क्षण भंगुर, एक तो ये दुर्लभ है दूसरा क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए इसका कोई पता ही नहीं। इसलिए जो शरीर रहते हुए जो इसका संयोग करते हैं वास्तव वही जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, परंतु इसका संयोग नहीं करते संसार में आया आए कमाया खाया और चल पड़े। तो इसलिए जो आकर के जो है शरीर का संयोग करते हैं धर्म कर्म करते हैं इस प्रकार से उन्हीं का जीवन जो है वैधन्य होता है। चाणक्य महाराज जी कहते हैं हस्तो दान विवर्जित हो श्रुति पुटो हो सारस द्रोहिणो नेत्री साधु अभिलोकने अवलोकने न रहते पादो न तीर्थ गतो अन्यायन अर्जित वित्त पूर्ण उद्रम गर्भिण तुंगम शरो रे रे जम्बक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिध्यम बभु। कि चाणक्य महाराज जी कहते हैं कि जो हिंसक जीव होते हैं जिस व्यक्ति ने कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया है उसकी लाश को जो है वह भी निंदनीय मानते हैं, उसका जो वह भी नहीं करते हैं किस प्रकार जिसने कोई धर्म कर्म नहीं किया है। तो इसी प्रकार से चाणक्य नीति महाराज नीति में जो है ये एक श्लोक आया है जिसमें कहते कि एक बार एक व्यक्ति जो है सेठ था और वह अपने व्यापार के लिए जा रहा था और चलते चलते वन में जो है अकस्मात उसकी मृत्यु होगी। जब मृत्यु हो गई तो रात्रि में जो है वहां पर जो है एक गिद्ध जो है वहां पर आया और उसने देखा कि मनुष्य शरीर मनुष्य देह पड़ा हुआ है और बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे खाने के लिए जो मिल गया है। तब जो है उससे बड़ा गिद्ध जो था वह उसके पास गया कि ऐसे इस प्रकार से जो ऐसा एक मानव जो यहाँ पर पड़ा हुआ है जरा देख करके बतलाइए इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जब ऐसा वो विचार कर रहे हैं तो भाई अब वृद्ध गिद्ध जो था वहां पर आया और आकर के कहते कि सबसे पहले हस्तो धन विवर्जित हो, उसने उसके हाथ सूंघ करके उससे कहा देखिए इसके हाथ जो है ये खाने के लायक नहीं है। क्यों? कि अपने जीवन में इसने कभी कोई पुण्य कर्म किया नहीं, हाथ से कभी कोई दान नहीं किया, इसलिए इसके हाथ जो त्याज्य है। तब कहते हैं फिर जो है श्रुति पटो सारस्वत द्रोही न हो, फिर उसने उसके कान जो है
सूं करके जो है कहा कि इसके कान भी खाने के योग्य नहीं है, कान भी खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने कभी इन कानों से कभी भगवान का कीर्तन उसका जो है कथा श्रवण किया, उसका कभी नाम नहीं सुना है, इसलिए ये कान भी इसके अपवित्र हैं, ये खाने के योग्य नहीं है। जो गिद्ध जो पश पर इतना जो है व्यभिचार करते हुए कह रहे हैं, उसके मनुष्य के शरीर को जो त्याग कर रहे हैं, कहते कान भी खाने के योग्य नहीं है। उसके बाद वृद्ध जो गिद्ध ने कहा, नेत्र साधु विलोकने न रहित है, फिर नेत्र की ओर जो है उसने सूंघा तो कहने लगे नेत्र भी खाने के योग्य नहीं। इसने कभी जो है कोई सत्पुरुषों का महापुरुषों का दर्शन किया, साधु संतों का संग नहीं किया, और ना ही कहीं जाकर कहीं देवालय मंदिर में जाकर कहीं कोई दर्शन किया है, इसलिए इसके नेत्र भी है पवित्र नहीं। उसके बाद कहा पादों ना तीर्थ गत हो, कि पैर सूंघ करके उसने कहा इसके पैर भी जो खाने के योग्य नहीं है, कि इन्होंने कभी इन पैरों से कभी कोई तीर्थ नहीं किया, तीर्थ नहीं किया है, और कहीं जाकर के जो है इस प्रकार से कुछ सत्कर्म नहीं किया, इसके पैर भी खाने के लायक नहीं है। फिर उसने उसका पेट बहुत बड़ा था, खा खा के बड़ा हो चुका था, और जो है अब जो है वह कहते हैं पेट को सूंघ करके अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण उद्रम, अन्याय के द्वारा जो है इसने धन अर्जित किया और खा खा के अपना पेट बढ़ाया हुआ है, इसका पेट भी जो है खाने के लायक नहीं है। जे भी त्याज्य है उसके प्राण जो है फिर सिर की ओर बह गया, उसे सूंघा और कहने लगा गर्भेण तुंगम शिरो, हमेशा जो है अहंकार में गर्भ में जो है इसने सिर जो है इसका अकड़ा ही रहा, कहीं कहीं जाकर इसने अपना मस्तक अपना सिर कहीं झुकाया ही नहीं, किसी के चरणों में कहीं इसको साधु संतों के चरणों में जाके देवालय मंत्र में जाकर के कहीं भी इसने सिर झुकाया नहीं, हमेशा इसका तुंग सिर जो है ऐसा अकड़ा ही रहा। इसलिए कहने लगा रे रे जम्बुक मुच मुच सहसा नीचम सुनिध्यम बहु, हे गेदड़ जहां से शीघ्र अतिशीघ्र जहां से चल पड़ो, इसका त्याग कर दो, जे खाने के योग्य नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए ऐसे चाणक्य महाराज जी कहते हैं कि ऐसे जिस व्यक्ति ने जो है कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, अच्छा काम जो किया ही नहीं जो है, उसकी लाश को भी जो है हिंसक पशु भी त्याग देते हैं। इसलिए मनुष्य को जो है यदि भी अपना कल्याण चाहते हैं, जी मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ, जो मैं आपको प्रारंभ में कह रहा हूं कि इसका जो संयोग जो करते हैं, क्योंकि ऐसा साधन है इसके द्वारा से साधना जो है व्यक्ति कर सकते हैं, शरीर जब रहेगा तो आप सब कुछ कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसके द्वारा धर्म कर्म होते हैं, इसके द्वारा दूसरों की सहायता होती है, परोपकार होते हैं, शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, देव कृपा करते हैं, 84 लाख जोड़ने के प्राण जो है जो जीव मनुष्य देह में आते हैं ताकि वह अपना जो इस प्रकार अपना कल्याण कर सके धर्म कर्म कर करके। तो जो लोग जो है बड़े भाग्यशाली होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, जिन भक्तों को इस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त होते हैं कि तीर्थ में जाकर के ऐसे पुण्य स्थली पे जाकर के और वहाँ भगवान का ध्यान करना, जप करना, पाठ करना, कहते हैं तीर्थ में जाकर के कि वह जप जो होते हैं उसका अनंत गुणा फल होता है। इतने नहीं कहते हैं कि आप यदि एक माला जप करते हैं उसका 100 गुना फल होता है, एक माला करते हैं 100 माला का फल जो मिलता है। इसलिए जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कहीं भी इस प्रकार से ऐसे पवित्र स्थल पर जाकर के पुण्य अर्जित करने का, तो जो आपको समय मिलता है उसका सुयोग करें, इधर उधर की बात न कर करके चाहे 10 मिनट आधा घंटे बैठ करके जो है माँ भगवत के मूल मंत्र का जब करें, पाठ करें, जब कोई मंत्र जो दुर्गा सबसे लेकर के जो है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, जो मंत्र है हमेशा जीवन मंगल मंगल बना रहे, क्योंकि जो भगवती सर्वदा भक्तों का मंगल करती है, तो इस मंत्र का जप करें। जो विद्यार्थी हैं विद्या प्राप्ति के लिए जो है विद्यावंतम जशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहे जयम देहे यशो देहे दिशो, जी प्रार्थना की जाती है माँ हमें विद्वान जो है यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध शत्रु का नाश करो। तो ये ऐसे मंत्र हैं परम सिद्धि को देने वाले हैं, और ऐसे मंत्रों के द्वारा जो बैठ करके जो है भगवती का श्रवण करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माँ की विशेष कृपा होती है और उनकी जो ही मनोवृष कामना होती है वह सब माँ का आशीर्वाद से पूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डये भिक्षे ओम ऐं ह्रीं
विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये 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 विच्चे सच्चिद्रवारी की जय। माँ भगवती का मूल मंत्र है नवान मंत्र जो है और परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्त जन माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर पिंडी गृह में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों पर सर्वधन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बन जाती है और माँ की कृपा से वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये सब प्रकार की सिद्धि जो है माँ की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसकी दया हो जाए तो मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है और इस प्रकार से फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए माँ भगवती जगजननी जगत माता से यही प्रार्थना है कि माँ भगवती अर्थशक्ति इसी प्रकार से भक्तों को अपने चरणों से लगाए रखें, अपने चरणों के अविचल भक्ति आपको प्रदान करें, अपने दरबार में बुलाती रहें, अपना आशीर्वाद आपको देती रहें और माँ के आशीर्वाद से जो है आप सभी भक्त जो है परम कल्याण को प्राप्त हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तन संकीर्तन से योग दिन से मिलकर बोलना ताली बजाते हैं विजय कुमार जी। जयकारा शिरोवाली जी का इतनी सी अरदास है मेरी, हे मैया पूरी कर दो शरण में अपनी लेकर मुझको, हाथ मेरे सर पर धर दो। मैं तो मांगू प्यार तेरा मां, बस जही धन मुझको दे दो। मां तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, वो तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, जग में न मीत है, वो जग में न मीत है, जग में न मीत है, जग में न मीत है, इक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, इक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, वो सच्ची तेरी प्रीत मैया सच्ची तेरी प्रीत है, वो सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, प्यार तेरा बार बार चाहिए, सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार तेरा प्यार तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए।
लिए तो माही सच्ची सरकार है, के लिए तो माही सच्ची सरकार है, वो सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, 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 ओ दिल का करार, दिल बेकरार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बेशुमार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, निस दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, 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 ओ सुमिरन तेरा हो, सुमिरन तेरा हो, मैया तेरा ही बसेरा हो, तेरा ही बसेरा हो, ओ तेरा ही बसेरा हो माँ, तेरा ही बसेरा हो, तेरा ही बसेरा हो, ओ सपना हमारा होना साकार चाहिए, हमारा होना साकार चाहिए, ओ सपना हमारा होना साकार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, 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 हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं, 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 भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, हाँ भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, बस यही अधिकार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, जाओ प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए।
तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ। जयकारा शेरों वाली जी का। जय कर मेरे शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, तुम बिना बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है, तेरा दर प्राणों से प्यारा है, तेरा दर प्राणों से प्यारा है, तेरा दर प्राणों से प्यारा है, तेरा दर प्राणों से मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, दरबार की जय। तो एक लघु भोजन प्रस्तुत करेंगे यशपाल जी। जय कारा शेरा वाली दान। बोल सच्चे दरबार की जय। अखियां न मानिया न मान रख ले, देख दूधदार मेरी आन रख ले, अखियां न मानिया न मान रख ले, देख दूधदार मेरी आन रख ले, अखियां
दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै तेरा ही भरोसा मैनू तेरा ही सहारा नजरा नू मिल जावे तेरा ही नजारा तेरा ही भरोसा मैनू तेरा ही सहारा नजरा नू मिल जावे तेरा ही नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै मुझे दुआज मैं तो दर्शना मिलाई दी तू नहीं आई जान लबाओं ते आई जी मुझे दुआज मैं तो दर्शना दिलाई तू नहीं आई जान लबाओं ते आई रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै सारा जगदाते मैनू ताने पे आमारा चल जल मन मेरा तैनू ही पुकारदा सारा जगदाते मैनू ताने पे आमारा चल जल मन मेरा तैनू ही पुकारदा शान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै हाँ अखियां नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै ओ अखियां नवानियां दा मान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नवानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै जयकार श्री वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय स्वर्गांगण भेन मृदंग शंख देर पगे माना कोलाहल कलित तवस्तु विद्याधर नृत्य कला सुखाय सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा ही जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान सस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पंडित है सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु
मित्राणाम देश शरीर वर्चस आज क्षम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी I'm
पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बोलिए ओम ओम। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। बलदुर्गा माता की जय। कृष्ण माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे। अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो माता जी। मल बोलो माता जी। सभी भक्त भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। समल कर बोलिए सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती गण लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
मनोकामना पूर्ण हो, वो सच्चे भारी है।